-11x plus 5, सो द dy अपॉन dx आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 11, और यहां से जो आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगी दैट इज 1. तो अब यहाँ ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, सेम टेंजेंट की स्लोप्स हैं, तो यू विल इक्वेट दिस. सो इक्वेटिंग 1 एंड 2, सिंस दीज आर रिप्रेजेंटिंग द स्लोप्स ऑफ सेम टेंजेंट, सो इक्वेटिंग 1 एंड 2. क्या हो गया? Therefore, 3x square minus 11 is equal to 1. 3x square is equal to 12. X square is equal to 4. X is equal to plus minus 2. आपके पास यहाँ से x की values आ गई plus 2 and minus 2. और अब आपको जो है points निकालने हैं, y की value निकालनी है यहाँ से. तो what you will do, आप x की value plus minus 2 यहाँ पे put करेंगे and you will get the value of y. So put x is equal to 2. And x is equal to minus 2 in equation star. So you will get the value of y. यहां से आ जाएगा आपका y equal to 2 cube minus 11 into 2 plus 5. So this is 8 minus 22 plus 5. That is minus 9. So, ये पॉइंट आ गया आपका 2, -9. अब -2 पुट करो एक्स को, सो यू विल गेट वाई इज इक्वल टू -2 क्यूब -11 इंटू -2 प्लस 5. सो दिस इज -8 प्लस 22 प्लस 5 एंड दिस इज 19. सो द पॉइंट्स आर -2, 19. अब ये कर्व पे पॉइंट्स हैं एट विच टेंजेंट इज वाई इक्वल टू एक्स माइनस 11. अब आप क्या करोगे, यहाँ ये वैल्यूज जो है आप पुट करोगे यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में, ये दोनों पॉइंट्स पुट करोगे. अगर ये उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं देन बोथ पॉइंट्स विल बी योर आंसर. अगर इनमें से एक भी पॉइंट उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो दैट पॉइंट यू विल रिजेक्ट. सो वाई इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू, जब आप -9 पुट करोगे, इज दिस इक्वल? हाँ जी, क्या ये इक्वल है? मैंने ये सही पुट की है, क्या गलती की है मैंने? पॉइंट 2, -9 है, मैंने क्या गलती की है? यहाँ इक्वेशन है वाई इक्वल टू एक्स माइनस 11, मैंने पॉइंट उल्टे पुट कर दिए हैं. हेयर वाई इज -9 एंड एक्स इज 2, तो वाई -9 x is equal to 2, -9 equal to -9, which is true. Second, आप क्या लेके चलोगे? -2, 19. So -2, 19 जब आप put करोगे, which is false. अब ये condition क्योंकि आपकी false आ रही है तो क्या करोगे? 2, -19 is rejected. So आप पॉइंट कौन सा लेके चलोगे? 2, -9. 2, -9 is the point on the given curve. दोबारा देख लो इसको, हमें कर्व गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5. उसका हमने जो है dy by dx लिया तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई. अगेन इसी के लिए हमें इस कर्व पे जो टेंजेंट गिवन था दैट वाज y इक्वल टू x माइनस 11, हमने यहाँ से भी स्लोप निकाल ली. ये दोनों क्योंकि सेम टेंजेंट्स की स्लोप्स हैं तो हम इनको इक्वेट कर देंगे. यहाँ से आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी, x की ये वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यूज निकाल लोगे, आपके पास ये दो पॉइंट्स आ जाएंगे. अब इन पॉइंट्स को क्योंकि इस इक्वेशन से निकाल लें, उसमें भी हम चेक करेंगे कि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं, हम दोनों इनमें पुट करेंगे तो यू विल गेट कि 2, -19 वाला जो आपका पॉइंट है, -2, -19 वाला जो पॉइंट है दैट इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन. तो उस पॉइंट को आप रिजेक्ट कर दोगे एंड योर आंसर विल बी 2, -9. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर
9. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. ये हो गया, नोट डाउन कर दूं, इरेज, डन. क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू 1 अपॉन x -1. हमें इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, उन सभी लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जिनकी स्लोप -1 है, यानी कि जिन लाइंस की इक्वेशन हमें निकालनी है उनकी स्लोप हमें -1 गिवन है, एंड दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व. और जो गिवन लाइंस हैं वो टेंजेंट्स हैं किस कर्व के, y इक्वल टू 1 अपॉन x -1. यानी कि जो लाइंस हैं अगर वो टेंजेंट्स हैं y इक्वल टू 1 अपॉन x -1 पे, तो जो dy बाई dx की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू -1, क्योंकि स्लोप कितनी गिवन है हमें, -1. स्लोप ऑफ लाइंस हमें -1 गिवन है, और हमें वो कह रहा है कि ये लाइंस जो है टेंजेंट्स हैं कर्व पे. तो जब हम लाइन की इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसका डेरिवेटिव लेते हैं, देन ऑल्सो वी गेट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. तो दोनों स्लोप्स को हम क्या करेंगे, सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेट कर दोगे, वहां से आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सेम वे में पॉइंट्स निकाल लोगे. उसके बाद उन्होंने इक्वेशन पूछी है, आपके पास स्लोप है, आपके पास पॉइंट्स आ गए, यू कैन इजिली फाइंड आउट द इक्वेशन. सो सबसे पहले काम हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है. तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन कर्व, निकाल लो क्या आएगा. हमें इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स -1. स्लोप ऑफ ऑल लाइंस विच आर टेंजेंट टू दिस कर्व इज -1. अब यहां से स्लोप इसके इक्वल आएगी, तो dy अपॉन dx आ गया आपका. क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, पावर फॉर्मूला लगा लोगे, x माइनस वन टू दी पावर -1 लिख सकते हो आप इसको. पावर फॉर्मूला लगाओ, -1 आगे आ गया, इनटू x -1 रेस टू पावर -2 हो जाएगा. पावर -2 है, डिनोमिनेटर में लाओगे तो +2 हो जाएगी. क्लियर है ये डेरिवेटिव. अब -1 अपॉन x -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1. ये कैंसिल आउट हो गया आपका. x -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. x -1 is equal to +-1, taking square root on both sides. Derivative देखो कैसे आया आपका, आपको x -1 to the power -1 के फॉर्म में मैंने लिख लिया इसको. अब पावर फॉर्मूला लगाते हैं, तो पावर आगे आगे जो आपका ब्रैकेट होता है वो एज इट इज. यहाँ पे हम क्या करते हैं, n -1, यहाँ पे n की वैल्यू -1 है, -1 -1 is -2. ये आ गया आपका x -1 टू दी पावर -2. पावर पॉजिटिव बनाने के लिए मैं इसको नीचे लेके आऊंगी, तो ये हमारा डेरिवेटिव. ठीक है, अब x -1 जो फर्दर डिफरेंशिएबल था उसका डेरिवेटिव 1 ही है, तो वो मैंने वहां पे मेंशन नहीं किया. नाउ व्हाट टू डू, x की वैल्यूज आ जाएंगी यहां से. एक बार x को, x -1 को +1 के इक्वेट करो, एक बार x -1 को -1 के इक्वेट करो. So x is equal to 2 और x is equal to 0. अब x is equal to 0 और x is equal to 2 के लिए we will find out the values of y. इसमें put करेंगे x is equal to 2 and x is equal to 0 and find the values of y. So put x is equal to 0. Let this equation be star. When x is 0, तो y is equal to 1 upon 0 -1, that is y is equal to -1, यानी कि required point is 0, -1. And when x is equal to 2, then y is equal to 1 upon x -1, that is so required point क्या आ गया हमारा, 2, 1. अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन थी, दूसरी कोई इक्वेशन नहीं है जहां पे मैं ये वैल्यूज पुट करूं जैसे लास्ट टाइम उसमें प्रीवियस क्वेश्चन में किया था. तो ये दोनों पॉइंट्स हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसी इक्वेशन से हमने निकालने हैं, तो नेचुरली वो उसको सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे.
सो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ गए 0, -1 एंड 2, 1. अब मुझे क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइंस. इक्वेशन ऑफ लाइंस के लिए स्लोप आई एम गिवन -1, पॉइंट्स ये मैंने निकाल लिए, दो पॉइंट्स आ रहे हैं, इट मींस दो इक्वेशंस बनेंगे. सो द रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ लाइन हैविंग स्लोप -1 एंड पॉइंट्स 0, -1 एंड 2, 1. मैंने इकट्ठा लिख दिया इन पॉइंट्स को. अब आप फॉर्मूला यूज करोगे y - y1 इक्वल टू m टाइम्स x - x1. प्लस 1 में किया हुआ है आप फॉर फाइंडिंग आउट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन यू आर गिवन अ पॉइंट एंड स्लोप ऑफ द लाइन. ये x1 y1 हो गया, स्लोप m - 1 है. पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर. 0, -1 के लिए दिस इज y, माइनस इनटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा, y की वैल्यू क्योंकि -1 है. सो दिस इज इक्वल टू स्लोप इज -1 x - 0. सो y + 1 इज इक्वल टू -x, और वी कैन से x + y + 1 इज इक्वल टू 0. अब हाँ जी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपने की हुई है ना प्लस 1 में. इफ यू आर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन यू आर गिवन द स्लोप एंड अ पॉइंट ऑन दिस. तो स्लोप पॉइंट फॉर्म आप यूज करते थे, ये वो. यहां पे भी फॉर पॉइंट 2, 1 y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1. स्लोप दोनों केसेस के लिए आप -1 लेके चलोगे. सो अगेन सॉल्विंग दिस, y - 1 इज इक्वल टू -x + 2. सो x + y - 3 इज इक्वल टू 0. सो दीज आर द रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ द लाइंस. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 10. क्लियर? डन? कर लो, कोई बात नहीं, कर लो. ऑनलाइन स्टूडेंट्स बच्चे, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क. आई एम गिविंग यू द ऑप्शन टू अनम्यूट, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर डाउट इफ एनी काइंड ऑफ डाउट इज देयर. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर डाउट. मैम क्लियर है. ओके बच्चे, थैंक यू. हाँ जी गुरसिमरन जी, नोट कर लो एंड मास्क लगाओ अपना. मास्क रिमूव नहीं करोगे. इफ यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल विद दिस तो हैंकी बांध लो बेशक. अगर ये अनकंफर्टेबल लग रहा है तो हैंकी बांध लो बेशक, बट यू हैव टू कवर योर नोज एंड माउथ. डन बच्चे? नाउ मूविंग ऑन टू द 10th क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन आपको देखने में बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर लगेगा, उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा आपका. Let's do that. Question number 11, sorry, not 10. Find the equation of all lines having slope 2 which are tangents to the curve y equal to 1 upon x minus 3. dy by dx nikalo, iska kya aayega? Karo. Ye kar do erase. Yahan pe ab kya given hai? Y is equal to 1 upon x minus 3. This can be written as x minus 3 to the power minus 1 and the given slope is 2. Derivative batao kya aayega? Hanchi, derivative batao jaldi se kya aayega? Yes, -1 upon x - 3 whole square. Very good. अब स्लोप हमें कितनी गिवन है? 2. ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है. सेम लाइन की स्लोप हैं. तो वी विल इक्वेट दिस. सो इक्वेटिंग दिस इक्वल टू 2, -1 upon x - 3 whole square इज इक्वल टू 2. और वी कैन से दैट x - 3 whole square इज इक्वल टू -2. ये नेगेटिव साइन मैंने इधर लिख दिया. नाउ इज दिस कंडीशन पॉसिबल? That square of a number equal to negative. Is it possible? क्या?
यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्स की जो मर्जी मैं वैल्यू ले लू, रियल नंबर्स लेने हैं, जब मैं उनका स्क्वायर करूंगी, विल दैट बी इक्वल टू अ नेगेटिव नंबर, कैन स्क्वायर ऑफ अ नंबर बी नेगेटिव, नो। तो इट मींस ये आपकी कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी, नहीं होगी। तो इट मींस इक्वेशन टू द गिवन कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, एज स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। यहाँ पे हम रियल नंबर्स की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ कॉम्प्लेक्स। एज स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर द नो टेंजेंट एग्जिस्ट, योर टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट टू द कर्व। टू द गिवन No tangent exists to the given curve. After this, question number 12 is similar, so that you will do yourself. Question number आपका जो 11 है, 9 की तरह बिल्कुल होगा, so in that way you have to do it yourself. Now moving on to question number 13. Then mask लगाओ. बच्चे नोट कर लो इसको, ये ड्राइंग के नंबर थोड़ा मिलने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, एट विच द टेंजेंट्स आर फर्स्ट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड सेकंड है पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब टेंजेंट आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेके चलते हो तो क्या लेके चलते हो, वाई इज इक्वल टू गिवन है ना, हमें कर्व गिवन है, नो वो तो इक्वेशन होती है ना, यहां कंडीशन क्या लेके चलूंगी, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जीरो। तो आप क्या करोगे, जो आपको कर्व गिवन है वहां से dy by dx निकालो और उसको इक्वल टू जीरो पुट कर दो। टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस मींस dy अपॉन dx इज इक्वल टू जीरो। सो कर्व हमें गिवन है y इज इक्वल x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। चलो जी, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव बताओ, व्हाट विल बी इट्स डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 का डेरिवेटिव 2x अपॉन 9, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y अपॉन 16, विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं हम, y square का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 2y, y फर्दर डिफरेंशिएबल है तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ y, दिस इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। तो यहां से एक तो आप 2 कॉमन ले लोगे या डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 कर सकते हो, तो वी विल बी हैविंग x अपॉन 9 इज इक्वल टू माइनस y y डैश अपॉन 16। मुझे y डैश की वैल्यू निकालनी है तो y डैश इज इक्वल टू dy by dx हम निकाल रहे हैं x upon 9 with minus sign 16 इससे आगे आ जाएगा और y इधर denominator में आ जाएगा। क्लियर है ये, dy by dx हमने निकाल लिया, डेरिवेटिव दोबारा देख लो, x 1 by 9 आपका कांस्टेंट है वो मैंने एज इट इज लिख दिया, x square का डेरिवेटिव इज 2x, प्लस का साइन एज इट इज आ गया, 1 upon 16 कांस्टेंट मैंने एज इट इज लिख दिया, y square का डेरिवेटिव 2y, y further differentiable है with respect to x, with respect to x ले रहे हैं ना बच्चे, जब मैंने x square का derivative लिया तो this is 2x into dx upon dx
ये वाले का डेरिवेटिव भी, ये dx अपॉन dx आपका 1 होता है, तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते हैं, अगर ब्रैकेट में सिंपली यहाँ x है तो हम 1 वो मेंशन नहीं करते, बट व्हेन वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू x y का डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर पावर फॉर्मूला लग गया, ये 2y आ गया। अब ये ब्रैकेट फर्दर डिफरेंशिएबल है, इट्स डेरिवेटिव इज अदर देन 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx को मैंने यहाँ पे y डैश लिया, और ये वाला 1/16 ये एज इट इज, क्लियर। हाँ जी, फिर यहाँ पे dx अपॉन dy आने, बट क्योंकि जो है हम स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो dy by dx की फॉर्म में ही लेके चलते हैं, अगर आप वो कर लोगे फिर यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। सो अब फर्स्ट पार्ट में उसने हमें कहा कि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस मींस dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, y डैश या dy अपॉन dx, दैट्स वन एंड द सेम थिंग। सो यहाँ पे -16x अपॉन 9y इज इक्वल टू 0, ये डिनोमिनेटर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, यानी कि -16x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0। अब उसने फाइंड द पॉइंट्स पूछा था, तो पॉइंट्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करोगे, x इज इक्वल टू 0 जब आप इसमें पुट करोगे तो y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 रह जाएगा, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी कि y इज इक्वल टू +-4, क्लियर, समझ आ गया। ये हमें हमारे पास जो है कंडीशन पुट करके जो भी x की वैल्यू आती है वो हम कर्व की इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यूज निकाल लेते हैं। x आपका 0 आया, 0 बाई 9 इज 0, रह क्या गया, y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 16, y square equal to 16, y is equal to +-4, यानी कि इस वाले points इसके लिए क्या बने, 0,4 and 0,-4, ठीक है। अब second part पे आ जाओ, second part में वो क्या कह रहे हैं कि at which the tangents are parallel to y axis, tangents are parallel to y axis means आपका ये चीज बनेगा, जो angle उसका बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 degree बन रहा है, ठीक है। अब एंगल 90 डिग्री बन रहा है मींस दिस इज पैरेलल टू नॉर्मल, यानी कि जो नॉर्मल की स्लोप होगी वही जो लाइंस है उनकी स्लोप होगी। इट मींस सिंपली आपने लेके चलना है कि व्हेन एवर द टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो यू विल पुट डीएक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 0, स्लोप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है ना, इसलिए अब इक्वल टू 0 है तो नेगेटिव लगाओ ना लगाओ, सो सेम वे में आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, पुट डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 0, सो माइनस 9y अपॉन 16x इज इक्वल टू 0, सो 9y इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज ले लेंगे। सो x स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, यानी कि x square is equal to 9, it means x is equal to +-3, clear है ये, आ गया समझ। अब x +-3 आ रहा है तो required points जो हैं they are 3,0, very good, 3,0 and my 3,0 and -3,0, so these are the required points. Now moving on to question number 14. सिंपल सा कंसेप्ट बस ध्यान में रखो कि जब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो पुट dy अपॉन dx इक्वल टू 0, जब y के पैरेलल है तो पुट dx अपॉन dy इक्वल टू 0। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट। सिंपल है ये भी, एक पार्ट में करके दिखा देती हूँ बाकी आप करोगे। y इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट 0,5। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, स्लोप निकाल लेनी है dy by dx एट पॉइंट 0,5, स्लोप आ जाएगी, पॉइंट आपको 0,5 गिवन है,
equation of tangent and normal you can find out. सभी पार्ट्स में इसके आप ऐसे ही करेंगे. So we are given y is equal to x to the power 4. This is your question number 14, part 1. Y is equal to x to the power 4 minus 6x cube plus 13x square minus 10x plus 5 at 0, 5. हाँ जी, क्या आएगा डेरिवेटिव? Yes, 4x cube minus 18x square. Very good. प्लस 26x माइनस 10. वेरी गुड. अब ये डेरिवेटिव आ गया. अब हमने क्या करना है? डेरिवेटिव एट 0, 5 हम स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं. तो dy by dx एट 0, 5. चलिए क्या आएगा? x को 0 पुट करो, y है ही नहीं है उसमें, तो x 0 पुट करो. क्या आएगा? हाँ जी, माइनस 10. अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप? वी आर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एज वेल एज द नॉर्मल. टेंजेंट के लिए तो स्लोप आप एज इट इज ले लोगे. पॉइंट आपको 0, 5 गिवन है. फॉर द नॉर्मल व्हाट यू आर टू डू, यू आर टू टेक द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0, 5 with slope minus 10. So that will be y minus y1 equal to minus 10 m times x minus x1. So this is y minus 5 is equal to minus 10x, or we can say 10x plus y minus 5 is equal to 0. So this is a required equation of the tangent. Now we are to find the equation of the normal. So pehle aap uski slope likh loge, slope of normal. Negative reciprocal of the slope of the tangent. So this is minus 1 upon minus 10. That is 1 by 10. The equation of normal. Y minus y1 equal to m times x minus x1. So this is the required equation of the normal. If any doubt is there, you can ask. Baki ke jo 4 parts aur hain iske, that are exactly to be done in the same way. Kisne bache? Slope of the tangent. Aapke paas agar do lines parallel hain, you know this condition, m1 m2 is equal to -1. तो एक ही स्लोप अगर आपको गिवन होती थी तो दूसरे के लिए आप क्या करते थे? क्लियर है? सो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू विल डू योरसेल्फ. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. Done. इधर वाला ही रेस कर दो. डन बच्चे. Now in the next question we are given. Find the equation of the tangent to the curve y is equal to x square minus 2x plus 7, which is parallel to the given line. Curve हमें given है y is equal to x square minus 2x plus 7. Equation of the tangent to this curve निकालना है, which is parallel to the line 2x minus y plus 9
इक्वल टू जीरो. यू नो व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल तो क्या होता है उस मोमेंट पे, बोथ द स्लोप्स, दोनों की स्लोप्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से dy by dx निकाल लेंगे, वहां से स्लोप निकाल लोगे एंड दोनों को क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे. तो व्हाट विल बी द स्लोप फ्रॉम हियर, 2x माइनस 2. और उधर से अगर देखूं मैं स्लोप, या तो सीधा फॉर्मूला लगा दो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, अदरवाइज यू कैन राइट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c, वहां से आपके पास स्लोप आ जाएगी. ठीक है, यहां से स्लोप क्या आएगी, 2 y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म है. अदरवाइज आप यहां से क्या ले सकते हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, तो वो भी आपका क्या आएगा, 2. दोनों में से जिस मर्जी मेथड से कर लो. अब स्लोप आपके पास 2 आ गई, जो है यहाँ हमें dy upon dx is equal to 2x minus 2 given है. हमें उसने कहा था find the equation of the tangent line to the curve y is equal to this which is parallel to this, यानी कि tangent is parallel to that line. तो it means दोनों की स्लोप्स क्या कर दोगे आप, इक्वेट कर दोगे. ये मैंने ठीक किए, हैव आई रिटन करेक्ट, x माइनस 1 इक्वल टू 0 ठीक लिखे है? हाँ जी, क्या आएगा, 0 आएगा. अब अगर मैं इसको ऐसे करूं, अब मैंने गलत लिखा था कि सही लिखा था, पहले 0 के 1 आएगा. क्लियर है? तो जब तक श्योर ना हो स्टेप्स में शॉर्टकट नहीं मार. ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं. ठीक है, यहाँ देखो, अगर मैं डायरेक्ट भी इसको कर रही हूँ, क्योंकि 2 से मैं डिवाइड थ्रू आउट कर रही हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 किया ना मैंने, तो 2 बाय 2 एक्स रह गया, माइनस 2 बाय 2 इज माइनस 1, 2 बाय 2 इज प्लस 1. तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 2. क्लियर? हाँ जी, मैंने यहाँ 0 लिख दिया था, वो गलत है. ठीक है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 माइनस नहीं कर रहे. क्लियर? सो ये आ गया आपका x माइनस 1 इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 2. अब क्या करें, x आ गया मेरे पास, यस. अब हम क्या करेंगे, y निकाल लेंगे यहाँ पे पुट करके, पुट x इज इक्वल टू 2 इन स्टार, सो दिस इज y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, सो दैट इज 7. यानी कि जो रिक्वायर्ड पॉइंट आया मेरे पास, दैट इज 2,7. मुझे निकालना क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट के लिए क्या करेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज कैसे निकाल लेंगे. अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन में हम ये यूज कर चुके हैं. हाँ जी, y माइनस y1, y1 की जगह क्या आ जाएगा, 7, स्लोप 2 है, x माइनस x1 की जगह 2, y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, 2x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. बी क्विक, जल्दी से नोट डाउन कर लो, सेकेंड पार्ट भी करना है इसका हमने. सेकेंड पार्ट यू विल ट्राई योर सेल्फ. सेकेंड पार्ट में हमें उसने क्या कहा, परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13. यानी कि जो आपकी स्लोप ऑफ दिस लाइन आएगी 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13, क्योंकि गिवन टेंजेंट उसके परपेंडिकुलर है, तो आपने क्या करना है, जो लाइन की स्लोप आएगी उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेके इसके इक्वेट करो. यानी कि 2x माइनस 2 इज इक्वल टू आप यहाँ पे
माइनस वन बाई थ्री के इक्वेट कर रहे हैं. स्लोप आपकी जो गिवन लाइन है उसकी थ्री आएगी, बट दैट लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट, तो स्लोप उसका पैरेलल लाने के लिए इक्वेट करने के लिए नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी कि टू की जगह क्या पुट कर दोगे, माइनस वन बाई थ्री. पॉइंट आ जाएगा, फिर आप इसी वे में रिक्वायर्ड इक्वेशन लोगे. सो दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 16 आल्सो यू विल ट्राई योरसेल्फ. पॉइंट्स आपको x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू माइनस 2 पे शो करना है दैट द टेंजेंट्स आर पैरेलल, यानी कि इन दो पॉइंट्स पे आप शो कर दोगे दैट द स्लोप्स आर इक्वल. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क. एंड देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे.